नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पफ्ड राइस नमकीन। मैंने लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। इसमें हम भूनेंगे आधा कप मूंगफली। इसको ज्यादा भूनने के लिए थोड़ा रोस्ट करना है थोड़ी सी घी में। ये हमारी मूंगफली तैयार हो गई है। अब मैं इसके निकाल लेती हूँ। बहुत गर्म है, बड़ी केयरफुली करना, नहीं तो हाथ भी जल सकता है। अगर दाना गिर गया तो वो देखो मैंने कितना कप, इसमें मैं आधा कप गोला डालूंगी। ये मैंने काट के बारीक कर लिया है, सूखे वाला गोला है ये। बस ये बहुत जल्दी भून जाएगा, इसलिए इसको मैं बहुत जल्दी जल्दी चला रही हूँ। देखिए हमारा गोला तैयार होने वाला है। इसको गैस को मीडियम कर लेना, नहीं तो गोला पूरी तरह जल जाएगा। ये हो गया। अब मैं इसको निकाल दे रही हूँ। आप इसमें मखाने भी डाल सकते हैं, बादाम, काजू, कुछ भी डाल सकते हैं। मैं ये सिंपल बनाती हूँ जो सब बना सके। सबके घर में मखाने वगैरह नहीं होते टाइम। अब इसमें मैं थोड़ा सा और एक चम्मच घी डालती हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी उड़द की दाल और राई। आधा चम्मच जीरा और साथ में डालेंगे थोड़े से करी पत्ते। करी पत्ता हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, थोड़ी सी भी मामूली सी। साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची, ज़्यादा नहीं डालेंगे। आप हींग भी डाल सकते हो अगर आपकी इच्छा हो। ये हमारा हो गया है। अब डालेंगे इसमें हम लोग पफ्ड राइस। इसको ये प्रसाद वाली जो होती है, इसको लई भी बोलते हैं कई लोग। ये अब इसको हमें अच्छी तरह से कुरकुरा करना है, बिल्कुल धीमी आंच पे। ये खाने में नमकीन बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है। कई बार होता है घर में ख़त्म हो गई है, तो हम घर में इसमें बच्चों के लिए बना सकते हैं झटपट से, और बच्चे इसको बड़े खुश होकर खाते हैं। और लॉकडाउन में तो ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें घर में होती है और झटपट से बन जाती है। ये देखिए इसमें हल्दी मिक्स हो गई है, सारा मसाला भी मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ये जो हमारी मूंगफली और नारियल है इसको मिक्स कर देंगे। अगर आपने वो मखाना भुना है वो भी इस टाइम डाल दें। इसमें मूंगफली थोड़ी ज़्यादा ही डालें, क्योंकि बच्चे को मूंगफली निकाल निकाल के खा जाते हैं। इसमें से कलर भी आने लगा है। हमारी मूंगफली बनके तैयार हो रही है। बस इसको धीरे धीरे हमने हिलाना है। अगर नमक कम है तो आप इसमें ये भुने हुए चने जो बाजार में मिलते हैं वो भी डाल सकते हैं। कई लोग तो इनकी दाल डालते हैं। मेरे पास ये साबुत वाले हैं, तो मैं इसमें ये मिक्स कर रही हूँ साबुत वाले। अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा चटपटा मसाला, चाट मसाला। अब हम डालेंगे एक चम्मच भर के चीनी। अगर आपके पास पीसी भी है तो वो डालें, नहीं तो ये बारीक वाली चीनी डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला नहीं है तो आप थोड़ा सा आमचूर डाल दीजिए, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। ये मैंने बड़ा चम्मच भर के डाला है चाट मसाला और चीनी। दोनों को मिक्स कर देंगे। अब हमारी नहीं ये तैयार है। देखो इसमें ज़्यादा बिल्कुल भी घी नहीं मैंने लगाया हुआ, बहुत कम घी में बनी है। इसको कोई भी खा सकता है। कई लोग तो कहते हैं कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, ये ऑयली है। इसमें कोई ऑयल नहीं है, ये सबसे हेल्दी नमकीन है। आप इसमें बादाम, किशमिश कुछ भी डाल सकते हैं। मैं इसमें एक चम्मच किशमिश भी डाल रही हूँ। मैं किशमिश भी डाल रही हूँ।
जब मुँह में आएगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। ये देखा, अब इसको थोड़ी देर मंद आँच पे, धीमी आँच पे कुरकुरा करना है। अब ये कुरकुरी होगी, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार ही है। इसको मैंने गैस बंद कर दिया है, इसको कढ़ाई में थोड़ी देर हम हलाते रहेंगे, नहीं तो ये लोहे की कढ़ाई है, ये पर इसको जला देगी, इसलिए धीरे धीरे इसको हिलाएं और इसको ठंडा करके बर्तन में डालें। ये हमारी नमकीन तैयार, नमकीन बनके तैयार है। दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करके बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको नमकीन कैसी लगी। धन्यवाद।